हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी पॉइंट। स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में आज हम वीडियो एग्ज़ाम 2018 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन टेस्ट के फॉर्म में होंगे। क्वेश्चन पढ़ूंगी मैं, उसके बाद उसका आंसर भी बता दूंगी और एक्सप्लेनेशन के साथ रहेगा ताकि इससे आपका रिविज़न भी होता जाए। और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ये यूपी ट्रिपलएससी एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं और इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इस पर्टिकुलर वीडियो में क्वेश्चंस जो होंगे वो जीके के और जनरल साइंस केमिस्ट्री से होंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से होंगे। और आपको सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ये आप ध्यान रखिएगा कि इस बार जो वीडियो का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और साथ साथ इसका एक्सप्लेनेशन में भी देती जाऊंगी, इससे आपका रिवीजन भी होता जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, हीरा तथा ग्रेफाइट में क्या समान है? और इसके में चार ऑप्शन दिया है और इसका सही आंसर होगा हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है उनका परमाणु भार। और ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपलएससी एग्ज़ाम 2016 में पूछा भी जा चुका है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन है, इससे आपका रिवीजन होता जाएगा। हीरा तथा ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के अपर रूप हैं, ठीक है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि दोनों ही कार्बन के परमाणुओं से बने हैं, इनका परमाणु भार समान होता है, हालांकि इन दोनों की विद्युत चालकता, क्रिस्टल संरचना तथा घनत्व भिन्न होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनका क्या समान होता है, परमाणु भार, और क्या समान नहीं होता है, ये है विद्युत चालकता, क्रिस्टल संरचना और घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार है, क्या होगा? भार के अनुसार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात रेशियो पूछ रहा है। चार ऑप्शन दिया है आपके सामने, पहला है 2:1, दूसरा है 1:2, तीसरा है 8:1 और चौथा है 1:8। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1:8, यानी कि 1:8 होता है जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का भार का अनुपात। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार कितना होता है, 1:8, यानी कि 1:8, और जल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 तथा ऑक्सीजन की 1 है। ऑक्सीजन का परमाणु भार एटॉमिक वेट कितना होता है, ये होता है 8, तथा हाइड्रोजन का परमाणु भार वो होता है 1। अगला प्रश्न है, किस धातु की परमाणु संख्या होती है 31, यानी कि एटॉमिक नंबर आपका पूछ रहा है किसका होता है 31। चार ऑप्शन दिया है आपके सामने और इसका सही आंसर होगा गैलियम। गैलियम का जो परमाणु संख्या होता है, एटॉमिक नंबर होती है, वो होती है 31, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाता है। देखते हैं इसके बारे में कुछ एडिशनल फैक्ट्स। आवर्त सारणी में गैलियम की परमाणु संख्या होती है 31। गैलियम का प्रतीक क्या होता है, सिंबल होता है Ga, और इसका परमाणु भार होता है 69.72, और यह संक्रमणोपरांत धातु यानी कि पास ट्रांजिशन मेटल श्रेणी के अंतर्गत आता है। आवर्त सारणी में यह तत्व बाएं में संक्रमण धातु तथा दाएं में उपधातुओं के मध्य स्थित होता है। बस आपको इतना डीपली नहीं पढ़ना है, बस आपको याद कर लेना है कि गैलियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 31 होती है। इसका सिंबल क्या होता है, प्रतीक होता है Ga, और परमाणु भार कितना होता है, एटॉमिक वेट होता है 69.72, लगभग 70, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? चार ऑप्शन दिया है और इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। तो एप्सम का औद्योगिक नाम है मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। देखिए, मैग्नीशियम सल्फेट यानी MgSO4 का एक अकार्बनिक लवण है जिसे एप्सम के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की चिकित्सा में चिकित्सकों द्वारा आंतरिक एवं बाह्य प्रयोग में किया जाता है। इसे इंग्लिश सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि किसे इंग्लिश सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा मैग्नीशियम सल्फेट,
और इसका फॉर्मूला होगा MgSO4, और इसको हम एप्सम के नाम से भी जानते हैं। देखिए वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछूंगी लास्ट में, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोधर्मी तत्व है? ठीक है, चार ऑप्शन दिया है और इसका सही आंसर होगा जो रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, बताना है। चार ऑप्शन दिया आपके सामने, पहला यूरेनियम, रेडियम, थोरियम और कैडमियम। देखिए यूरेनियम ये रेडियोधर्म तत्व होता है, रेडियम भी होता है, थोरियम भी रेडियोधर्मी तत्व होता है, बट कैडमियम ये नहीं होता है। तो इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैडमियम एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है और बाकी के तीनों यूरेनियम, रेडियम और थोरियम ये रेडियोधर्मी तत्व हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन भी है, वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक 83 यानी कि 83 से अधिक होता है रेडियो एक्टिविता का प्रदर्शन करते हैं और अक्रिय परमाणु का परमाणु क्रमांक प्राप्त करना चाहते हैं। यूरेनियम परमाणु क्रमांक 92 है और रेडियम परमाणु क्रमांक है 88 और थोरियम परमाणु क्रमांक है 90। रेडियो एक्टिव तत्व ये नहीं है जबकि कैडमियम तत्व है, जबकि कैडमियम का परमाणु क्रमांक 48 होता है, इसलिए यह रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। यानी कि आप ऐसे भी याद कर सकते हैं जिनका परमाणु क्रमांक 83 से अधिक होगा वो सारे रेडियो एक्टिव होंगे और जिसका नहीं होगा वो नहीं होंगे। तो कैडमियम का परमाणु क्रमांक 48 होता है इसलिए ये रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम क्या है? देखिए एल्युमिनियम के बहुत सारे अयस्क होते हैं, ओर होते हैं, अयस्क को ओर बोलते हैं इंग्लिश में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण ओर यानी अयस्क का नाम पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा बॉक्साइट। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए बॉक्साइट इसका फॉर्मूला होता है Al2O32H2O, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क होता है। ठीक है, बॉक्साइट का फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं तो आपको ये याद कर लेना है, जो एल्युमिनियम के जलयोजित ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। यह प्रधानता गिब्साइट ब्रोनाइट -4 का सम्मिलित रूप है। यह सर्वप्रथम दक्षिणी प्रांत में लेक्सबॉक्स नामक स्थल पर पाया गया था। एल्युमिनियम धातु को निष्कर्षण मुख्यतः बॉक्साइड एस से विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। इतना आपको याद नहीं करना है, बस आपको याद कर लेना है बॉक्साइड और उसका फॉर्मूला। ठीक है, अगला प्रश्न है, पेंसिल की लिड बनाने में क्या उपयोग किया जाता है? ठीक, चार ऑप्शन दिया है आपके सामने, पहला है ग्रेफाइट, दूसरा है चारकोल, तीसरा है सिलिकॉन, चौथा है फास्फोरस। आसान प्रश्न है ये, और ये प्रश्न जो भी मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ ये UP SSC एग्ज़ाम ने कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा ही है, तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पेंसिल की लिड बनाने में प्रयोग किया जाता है, आसान है ये, इसका आंसर होगा ग्रेफाइट, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है? और ये पाया जाता है टाइटेनियम, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? चार ऑप्शन दिया है, HCl, HF, HNO3 और H2SO4। तो मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, ये है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल मिश्रण है किसका? पीतल जो है किस किस चीज़ से मिलकर के बना होता है? चार ऑप्शन दिया है, टिन और तांबा, दूसरा है टिन और जस्ता, तीसरा है टिन तांबा और जस्ता, और चौथा है जस्ता और तांबा। तो इसका सही आंसर होगा पीतल मिश्रण है जस्ता और तांबा का, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन है मैग्नेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला पूछा है, तो ये हो जाता है Fe3O4, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। देखिए इस सेक्शन से, जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी, इस सेक्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में ज़्यादातर मैंने केमिस्ट्री के क्वेश्चन को इंक्लूड किया है और आगे आने वाली वीडियो में मैं सारे सेक्शन से क्वेश्चंस को इंक्लूड करके वीडियो को बनाऊंगी। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। फिलहाल इसका आंसर होगा Fe2O3, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाता है।
अगला प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये यूपीपीसीएस में भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, है लाफिंग गैस क्या है। चार ऑप्शन दिया है, पहला दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड और चौथा है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। और इसका सही आंसर होगा लाफिंग गैस है, ये है नाइट्रस ऑक्साइड। तो लाफिंग गैस क्या है, ये है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे हल्की गैस कौन है। देखिए चार ऑप्शन दिया है, पहला है नियॉन, दूसरा हीलियम, तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा ऑक्सीजन। अगर ऑप्शन की बात की जाए तो हल्की गैस होगी इन चारों में, सबसे हल्की गैस होगी हीलियम, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। बट अगर हम ओवरऑल देखें तो सबसे हल्की गैस होती है वो होती है हाइड्रोजन। ठीक है, ऑप्शन में हाइड्रोजन नहीं दिया है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाता है हीलियम। बट ओवरऑल देखा जाए तो सबसे हल्की गैस होती है वो है हाइड्रोजन, ये आप बात ध्यान रखिएगा। फिलहाल हमारा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो चार ऑप्शन दिया है आपके सामने, पहला है पोटेशियम परमैंगनेट, दूसरा है सोडियम बेंजोएट, तीसरा है विनेगर, चौथा है सोडियम क्लोराइड। और इसका सही आंसर होगा सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम क्लोराइड। देखिए इसमें दो आंसर आपका सही, क्योंकि दोनों का उपयोग जो है खाद्यान्नों के संरक्षण में किया जाता है, सोडियम बेंजोएट का भी और सोडियम क्लोराइड का भी। ठीक है, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी आपका दोनों ही सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सोडियम बेंजोएट का रासायनिक सूत्र है Na(C7H5O2), जबकि सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है NaCl, और इन दोनों का उपयोग खाद्य संरक्षण में होता है। तो आपको दोनों ही याद कर लेने हैं, सोडियम बेंजोएट और सोडियम क्लोराइड। देखिए अगला क्वेश्चन है, खाने का सोडा है, तो खाने का सोडा चार ऑप्शन दिया है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिलहाल इसका सही आंसर तो होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम लोग खाने का सोडा भी जानते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला यानी कि रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे खाने का सोडा भी कहते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। फिलहाल इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कमेंट बॉक्स में आप आंसर को बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस चूना पानी को दूधिया बनाता है। ठीक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा, चार ऑप्शन फिलहाल दिए हैं, पहला तो है सल्फर डाइऑक्साइड, और दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है अमोनिया। तो आपको बताना है कि कौन सा गैस चूना पानी को दूधिया बनाता है। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की जैसे होती है। चार ऑप्शन दिया और इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर, हाइड्रोजन सल्फाइड की जो गंध होती है, स्मेल होती है, वो सड़े हुए अंडे जैसी होती है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं खारा जल, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका अधिकतम तापजनक मान होता है। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, साइंस से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड थे ये, और इससे रिलेटेड और भी वीडियोज़ चैनल पर अपलोड होते रहेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।